Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज एक बार फिर से इस नए दिन और नई सुबह के लिए कि परमेश्वर पिता ने हम लोगों को यह अवसर दिया है, ये समय दिया है कि हम लोग यहाँ ऑनलाइन बाइबल अध्ययन में जमा हो सके हैं। क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून इंडिया की तरफ से आप सब लोगों का प्रभु यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं ऑनलाइन बाइबल अध्ययन में, और धन्यवाद इस बात के लिए देते हैं कि परमेश्वर ने एक गैप के बाद फिर से हमें अवसर दिया कि हम लोग ऑनलाइन एक साथ हो सकें। आइए इससे पहले कि हम अपना बाइबल अध्ययन शुरू करें, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से हम सब की अगुवाई करें और पवित्र आत्मा का नियंत्रण हम सब पर बना रहे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए पिता, और प्रार्थना करते हैं इस वचन के माध्यम से आप हमसे बातें करें। प्रभु पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि ये वचन का बीज हमारे अंदर जड़ पकड़ने पाए, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो और परमेश्वर को प्रसन्नता मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। शुरू करेंगे हम लोग, आज हम देखेंगे हमारा इफिसियों की पत्री चार अध्याय, इफिसियों की पत्री चार अध्याय उसका तीन पद से सात पद तक, तीन से सात, इफिशियंस चैप्टर फोर वर्स फ्रॉम थ्री टू सेवन, सॉरी वर्स फ्रॉम फोर टू सेवन, इफिसियों की पत्री चार अध्याय चार पद से सात पद तक। लास्ट टाइम हमने इसको एक पद से तीन पद तक देख लिया था, और इफिसियों की पत्री चार अध्याय का जो हेडिंग है वो है मसीह की देह में एकता। चार अध्याय के पहले पद से, पहली आयत से लेकर के सोलहवीं आयत तक हम मसीह की देह की एकता के बारे में सीखेंगे, और मसीह की देह की एकता यानी कि कलीसिया, आप और हम लोग, इस विषय में पौलुस समझाएंगे। यहां लिखा है चार पद में वर्स फोर, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। आज हम इन चार आयतों पर विचार करेंगे, और परमेश्वर का आत्मा हमारी जरूर मदद करेगा, क्योंकि वो इसीलिए हमें दिया गया है, जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा कि वो मेरी बातें तुम्हें मानना सिखाएगा, मेरी बातों में से ले लेकर के तुम्हें बताएगा, अपने आप से कुछ नहीं कहेगा, होली स्पिरिट वही कहेगा जो वह परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह से सुनेगा। परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा जो कुछ भी सुनेगा वही हमें बताएगा। आइए हम लोग शुरू करें। लिखा है कि एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एकता की बात यहां पर हो रही है, इसका हेडिंग है मसीह की देह में एकता, इसका शीर्षक है ये मसीह की देह में एकता, ये टॉपिक है इस शिक्षा का। इफिसियों की पत्री चार अध्याय एक आयत से लेकर के सोलह आयत तक हम लोग मसीह की देह की एकता के बारे में सीखेंगे। इफिशियंस चैप्टर फोर वर्स फ्रॉम वन टू सिक्सटीन, वी लर्न अबाउट यूनिटी इन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह की देह की एकता के बारे में सीख रहे हैं। लिखा है कि एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही बात है, एक ही आशा है, एक ही देह है और एक ही आत्मा है। ये बात हमसे पहले के मसीहों को, हमारे समय पर के मसीहों को और हमारे बाद आने वाले मसीहों को इस बात को समझना ही पड़ेगा, पूरी कलीसिया को, चाहे अगले हों या पिछले या अब के हों, चाहे कुछ भी हो, हम सब मसीह की देह को, इस एकता को समझना पड़ेगा कि हम सब मसीह में एक हैं, एक हैं मसीह में,
अब हम में से जितने भी लोग विश्वास में आ गए हैं कलीसिया में, हम में से जितने भी लोग विश्वास में आ गए हैं, परमेश्वर ने हमें एकता में लाने के लिए इस कलीसिया में लिया है, अपने साथ अपने पास बुलाया है, एक होने के लिए। एक ही देह है, बाइबल ऐसा बताती है, कलीसिया मसीह की देह है और मसीह कलीसिया का सिर है, सिर है और देह है, देह एक ही देह है, दो शरीर नहीं है, एक ही है और एक ही आत्मा है इस कलीसिया में, एक ही आत्मा, एक ही एकता का आत्मा, प्रेम का आत्मा, एक जैसा सबके साथ, एक हो जाने का मतलब होता है एकता में आ जाना, यूनिटी में आ जाना। कलीसिया को यूनिटी में आने की आवश्यकता है, कलीसिया को एकता में आने की आवश्यकता है। विचारधाराएं, बहुत सारी बातें ऐसी रहेंगी जो आपस में मेल नहीं खाएंगी, लेकिन बावजूद इसके लोगों को इस बात को समझना ही पड़ेगा, कलीसिया को इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं तो भी परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें एक देह के अंग बन करके रहना है। विचारों की बात हो सकती है, स्वभाव की, मन मिजाज की बात हो सकती है कि एक नहीं हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें फिर भी एकता में आना चाहिए। परमेश्वर के वचन पर तो हमारी सहमति बनना ही चाहिए, परमेश्वर के वचन पर, प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, पवित्र आत्मा की डायरेक्शन पर हमारी सहमति बनना ही चाहिए। और परमेश्वर का त्रिएक, परमेश्वर का पूरा फोकस ये है कि लोग यानी कि कलीसिया परमेश्वर के वचन के मुताबिक निर्णय ले, वचन के मुताबिक जीवन यापन करें, वचन के मुताबिक लोग चलें। और वचन हमें यह बताता है कि एक ही देह है कलीसिया। आप और हम दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं, कलीसियाएं चल सकती हैं, हम सब के सब उस एक कलीसिया का अंग हैं, जिस कलीसिया की बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी कि मैं अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा और जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह का यह कहना है, प्रभु यीशु मसीह ने यह वाली बात कही थी। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह स्थापित कर चुके हैं, कलीसिया स्थापित नहीं होगी, कलीसिया स्थापित हो चुकी है। अब लोग दाएं बाएं से, पूरी दुनिया के कोने से आ आके कलीसिया में जुड़ रहे हैं, कलीसिया स्थापित हो चुकी है, लोग कलीसिया में जुड़ रहे हैं और कलीसिया बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, कलीसिया बढ़ती जा रही है। अब यहां पे लोगों को लाने का मतलब है एकता में ले आना। पौलुस इफिसियो नगर की कलीसिया के लोगों को यह बात बता रहे हैं कि तुम लोग जो नए आए हो और वो लोग जो पुराने हैं, हम एक हैं, हमें कोई मतभेद नहीं है, हमें कोई भी डिफरेंस, कोई भी डिस्टेंस हमारे बीच में नहीं है, हम एक हैं। अब हम लोग तो यहाँ तक आ गए हैं, अब जो लोग हमारे बाद मसीह में आएंगे, वो बच्चे कलीसिया में चाहे आज ही पैदा हों, लेकिन वो हमारे साथ एकता में आ जाएंगे, यूनिटी में हमारे परिवार का सदस्य बन जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमारे घरों में नए बच्चे पैदा होते हैं, जो बच्चा आज ही पैदा हुआ है वो परिवार का उतना ही ज़्यादा वैल्यूबल, उतना ही ज़्यादा बहुमूल्य, उतना ही ज़्यादा मूल्यवान सदस्य है जितने कि हम घर के बड़े लोग जैसा कि हम लोग वयस्क लोग हैं। जो बच्चा आज पैदा हुआ है वो कलीसिया का, परिवार का उतना ही मूल्यवान सदस्य है जितने कि हम लोग हैं। ये एकता को दर्शाता है कलीसिया की, और कलीसिया में एकता का होना बहुत ही आवश्यक है। लिखा कि एक ही देह है, कोई दूसरी देह नहीं है, एक ही कलीसिया है, दूसरी नहीं है, याद रखिएगा। एक ही देह और एक ही आत्मा है, आपको भी और मुझे भी और दुनिया के हर एक विश्वासी को जो आ चुके हैं या जो आएंगे, सबको एक ही आत्मा के द्वारा से परमेश्वर के पास लाया जाएगा, और कोई दूसरा आत्मा लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए नहीं है, और कोई दूसरा आत्मा नहीं है, केवल एक ही आत्मा है जो काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा, वही हम सबको परमेश्वर में जोड़े हुए है, वही हम सबको परमेश्वर में लिए चल रहा है, एक ही आत्मा। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे,
जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही बात है, लिखा है एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। एक एक की बात हो रही है, सिंगल है, डबल नहीं है, एक ही प्रभु है। अगर प्रभु एक ही है जगत का उद्धार करता तो फिर एक ही है। बाइबल में ऐसे लिखा है कि जबकि हमारे जबकि संसार में बहुत सारे नाम हैं, ईश्वर हैं, बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन तो भी हमारे निकट तो एक ही नाम है, एक ही प्रभु है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो भी हमारे निकट तो एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है। लिखा है एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही, एक भी नहीं लिखा कि ये भी नहीं लिखा, ये ही, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार से विश्वास है। हर एक विश्वासी को केवल एक ही विश्वास करने की आवश्यकता पड़ेगी और हर एक विश्वासी को एक ही बपतिस्मा लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इस बात पर आपको और मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमें ये बात पता रहेगी, मालूम रहेगी, तो हम दूसरे आने वाले लोगों को सिखा सकते हैं कि कलीसियाओं में कोई मतभेद नहीं है, कोई भी बात नहीं है, अलगाव कुछ भी नहीं है, सब एक है। एक ही प्रभु है, एक प्रभु यीशु मसीह, वही प्रभु जिसने पहले हमसे पहले के लोगों को उद्धार दिया, वही प्रभु जिसने हमें उद्धार दिया, वही प्रभु जो हमारे बाद के आने वाले लोगों को उद्धार देगा। एक ही प्रभु है, दूसरा कोई प्रभु नहीं होगा, हो ही नहीं सकता कोई दूसरा प्रभु। एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास। मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करके उन पर विश्वास किया और उन्हीं के नाम से बपतिस्मा लिया। जो मुझसे पहले के लोग थे उन्होंने भी ऐसा ही किया, एक ही प्रभु पे विश्वास किया, एक ही विश्वास था, एक ही बपतिस्मा उन्होंने लिया। ये वाली बात के ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे। बपतिस्मा एक ही है, एक एक बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा है। बैप्टिज्म वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का। बपतिस्मा यूनानी भाषा का शब्द है और उस समय पे वहां पे कई प्रकार के लोग बपतिस्मा दिया करते थे, वहां पे बपतिस्मा हुआ करते थे। बपतिस्मा इसलिए होते थे कि एक व्यक्ति बैप्टिज्म लेकर के इस बात को प्रूफ करता है, खुली गवाही देता है कि मैं जीवते परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मैंने अपने पापों से मन फिराव का बपतिस्मा ले लिया है। बपतिस्मा का मतलब होता है, ग्रीक भाषा में बैप्टिज्म का अर्थ है डीप इन द वॉटर, पानी में उतर जाना। एक ही बपतिस्मा है, दूसरा बपतिस्मा नहीं है। इसका ट्रांसलेशन कैसे बदल गया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि ग्रीक भाषा में बपतिस्मे का मतलब है डूब जाना, जाने देना या छोड़ देना। बैप्टिज्म ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है। एक ही बपतिस्मा है, दूसरा नहीं है। कोई कोई शुरू कर देता है तो ये वो व्यक्ति जाने, लेकिन यहां साफ शब्दों में लिखा कि एक ही प्रभु है, एक ही किस्म का प्रभु है, बस प्रभु यीशु मसीह, और एक ही किस्म का विश्वास है, एक ही विश्वास। हर एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए विश्वास करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे मैंने किया है, आपने किया है, हमसे पहले के लोगों ने किया है, हमारे बाद के लोग भी करेंगे। हमारे साथ के बहुत सारे एट प्रेजेंट इस टाइम पे दुनिया में बहुत सारे मसीह विश्वासी हैं, सबका एक ही विश्वास था, क्या कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, बपतिस्मा लेना और उद्धार पाना। आज भी अगर कोई आ जाता है तो ये प्रोसेस बदलेगा नहीं, कभी भी ये प्रोसेस कभी नहीं बदलेगा। आने वाले लोग अगर हमें सलाह दें कि नहीं एक प्रभु और है, तो हमें उनकी बात का खंडन करना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन हमारे निकट तो एक ही प्रभु है और वो है प्रभु यीशु मसीह। एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। ये बात आपको और मुझे समझ लेना चाहिए। कलीसिया को पौलुस ये बात समझा रहा है इफिसियों की पत्री में, इफिसियों नगर की कलीसिया को, कि हम सब उसी मसीह में एक हैं, एक हैं हम लोग। कलीसिया इस बात पर जोर दे कि सब एक है। मेरे साथ निकालिए आप रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 5 पद, रोमन्स चैप्टर 12
वर्स 5, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 5 पद, पौलुस रोम नगर की कलीसिया को बता रहे हैं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम मसीह में एक देह होकर के, हमें मसीह में एक होने के लिए, एकता के साथ रहने के लिए बुलाया गया है। अगर मान लीजिए कलीसिया में लोग आने के बाद एक होने की बजाय अगर वहां पे भी लोगों के मन मस्तिष्क आपस में एक नहीं है, विचार एक नहीं है, एक धारा में नहीं बह रहे हैं, तो ये कौन सा व्यवहार है? ये वही वाला व्यवहार है जो संसार में चलता है। संसार में ऐसा व्यवहार चलता है। आप भी इसी संसार से निकाले गए हैं, मैं भी इसी संसार से निकाला गया हूं, परमेश्वर ने हमें इसी संसार से अपने लिए अलग किया है। सांसारिक और शारीरिक लोग क्या करते हैं, आपस में बहुत सारे लोग, हर व्यक्ति अपने बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में इस बात को जानता है, बहुत सारे लोग जान पहचान के, पड़ोस के लोग या रिश्ते नातेदार अपना होने का दम तो भरते हैं कि हम आपके अपने हैं, लेकिन उनके मन हमसे दूर रहते हैं, एकता नहीं है। और ये हर घर की बात है, हर समाज की, हर समुदाय की, हर एक व्यक्ति की बात है। ये हर व्यक्ति इस बात को रोता है कि हमारे बहुत सारे लोग कहने के लिए हमारे अपने हैं, लेकिन जब आड़ा वक्त पड़ जाए तो ये काम नहीं आते, फिर किस बात के अपने? समझ रहे आप बात को? ये सांसारिक दृष्टिकोण से मैं आपको बात बता रहा हूं। लेकिन पौलुस कलीसिया को क्या कहता है कि वैसा ही हम जो बहुत हैं, हम ज्यादा हैं, बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अगर मान लीजिए जिस संसार में आप और हम अपने रिश्तेदारों का, अपनी दोस्ती का, अपने आसपास के लोगों का, अपने हमदर्द होने का बहुत दम भरते थे कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब कभी आड़ा वक्त पड़ता था तो वो काम नहीं आते थे, वो नजर भी नहीं आते थे वो हमें, ठीक जस्ट वैसे ही मान लीजिए अगर वैसी ही दशा आज कलीसिया में पाई जाती है, तो क्या कलीसिया में आकर के कुछ बदला है लोगों का? कुछ नहीं बदला, बस केवल जगह बदली है। जगह बदल गई है, पहले हम वहां पर थे, अब हम यहां पर हैं। व्यवहार नहीं बदला, स्वभाव नहीं बदला, मन मिजाज नहीं बदला, जबकि शिक्षा तो यही है, शिक्षा तो यही है, शिक्षा यही है कि एकता से रहें। अगर यहां रहकर के भी हम 5 लोग यहां रहकर के, 10 लोग यहां रहकर के भी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं अक्सर लोगों से ये वाली बात सुनता हूं प्रार्थनाओं में कि हमारे मन एक नहीं है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि यदि यहां आकर के भी हम एक नहीं हुए तो फिर कहां जाकर के एक होंगे हम लोग, जहां हम एक हो ही नहीं सकते थे संसार में, वहां से तो हमें ले लिया गया है, वहां से तो हम बाहर आ ही गए हैं मसीह के पास, लेकिन यहां आकर के भी अगर हमारे आपस में मन नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते, मसीह में एक होने के लिए हम तैयार नहीं, एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो सकते, तो फिर कैसे होगी बात? लिया तो आप और मुझे इसीलिए गया है कि हम सबों को, अलग अलग वेशभूषा के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग कुटुंब कबीले के लोग, अलग अलग क्षेत्रों से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से बुलाए गए लोगों को सबको एक जगह पे जमा किया जा सके, एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके, एक विश्वास में लाया जा सके, एक मत में लाया जा सके, एकता में लाया जा सके। बात तो इसीलिए है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद, यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि हम सबने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। बैप्टिज्म लेने का मतलब, हमारा मसीह हो जाने का मतलब क्या है? एक हो जाना, एक दूसरे के साथ एक बन जाना, एक फैमिलियर हो जाना, परिवार बन जाना। लेकिन यह बात अभी भी देखी नहीं जाती है बहुत जगह पे, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर के एक ही जगह पे आराधना करते हैं, एक ही छत के नीचे बैठ करके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, वर्शिप करते हैं, शिक्षा लेते हैं, बाइबल प्रीच करते हैं, बाइबल का प्रचार सुनते हैं, एक ही छत के नीचे नहीं हो पाते हैं एक मन, एक ही कलीसिया में रहते रहते भी क्या कर सकते हैं इस बात का? इसका मतलब यह है कि पुराना स्वभाव अभी भी काम करता है,
लेकिन एक बात याद रखें आप भी और मैं भी, कि हमें लिया तो इसीलिए गया था कि हमें मसीह में एक कर दिया जाए, हम मसीह में एक हो जाएं, हम एक देह के समान बने और मसीह जिसका सिर है। एक गीत मुझे याद आ गया, उसकी दो लाइनें मैं आपको सुनाता हूं। एक ही बदन के हम सब हिस्से हैं, यीशु मसीहा जिसका सिर है, आसमां हमारा है रूहानी मकान, आसमां हमारा है रूहानी मकान, हमको चुना है ले ले के नाम, हमको चुना है ले ले के नाम, हम सब बुलाए गए हैं, हम सब भेड़े हैं, एक झुंड हमारा, एक ही है निशान, एक है खानदान, यीशु ही हमारा मालिक है। एक ही खानदान है हमारा, दूसरा नहीं है। और ये निहायत अफसोस की बात है, इतनी अच्छी शिक्षा के बावजूद, इतनी स्पष्ट कॉल के बावजूद, इतना क्लियरली, इतनी क्लियरली कॉल हमें दी गई, इतनी स्पष्टता से हमें बुलाया गया एक होने के लिए, और बस हमसे एक नहीं हुआ जा रहा है। क्यों नहीं हुआ जा रहा है? क्या हमारे अंदर कोई दूसरी शिक्षा भी पल रही है? जब हम कलीसिया में आ गए हैं तो कलीसिया की शिक्षा को हमारे अंदर काम करना चाहिए, जो हमें बताई जाती है। बाहरी शारीरिक सांसारिक मानसिक या दूसरी कोई शिक्षा, कोई दूसरी विचारधारा को काम करने देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो बाहरी चीजें हैं, जो वचन से बाहर की चीजें हैं, ये हमें एक होने नहीं देंगी। वचन की बात हमें एकता में लेकर के आएगी, दूसरे के साथ एग्रीमेंट में लेकर के आती है। लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह, एक परिवार, एक व्यक्ति होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। एक ही आत्मा पिलाया गया है, दूसरा आत्मा नहीं। आपको भी वही आत्मा पिलाया गया, मुझे भी वही आत्मा पिलाया गया। अगर ये आत्मा, एक ही आत्मा दोनों के अंदर है, तो फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है कि आप और मैं एकता में नहीं आ रहे? हम एकता में नहीं आ रहे, एक साथ बैठ के आराधना कर रहे हैं। निहायत अफसोस की बात है ये कलीसिया के लिए। एक साथ बैठ के आराधना करते, एक साथ बैठ के प्रार्थना करते, एक साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं, एक साथ बैठ के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते, एक साथ बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी मसीह बातें करते हैं, लेकिन तो भी वो आत्मा जो हमारे अंदर है दोनों के, हम उस आत्मा की पकड़ में नहीं है अभी भी। इसलिए नहीं, हम आत्मा की पकड़ में नहीं है और नहीं है। अगर हम आत्मा की पकड़ में नहीं है तो इसलिए एक भी नहीं है। अगर वही आत्मा की पकड़ में रहते जो आपको, हम दोनों को पिलाया गया है, तो यूनिटी में रहते, विचारों की, भावनाओं की, इच्छाओं की, परमेश्वर के राज्य में बढ़ने की, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की और प्रार्थनाओं की यूनिटी में रहते ही रहोगे। देखिए मेरे साथ निकालिए आप इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 18 पद, इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 18, इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 18 पद लिखा है, क्योंकि उसी के द्वारा, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है जिसका नाम लेने से उद्धार होता है, वो है जगत का उद्धार करता, प्रभु यीशु मसीह। बाइबल बताती है कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर, जबकि बहुत सारे ईश्वर और बहुत सारे गुरु और बहुत सारे प्रभु हैं, लेकिन तो भी हमारे निकट तो एक ही प्रभु है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। एक ही प्रभु है, बस दो तीन चार पांच नहीं है, होंगे जगत में बहुत सारे, लेकिन हमारे लिए तो एक ही है। उसी एक के द्वारा से आपको और मुझे लिया गया है। हम सब जो यहां पर हैं आज कलीसिया में, उसी एक प्रभु के वजह से, उसी एक प्रभु के माध्यम से यहां पर हैं। उसी एक प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से आपकी भी और मेरी भी प्रभु परमेश्वर तक पहुंच होती है। क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या इब्रानी, क्या पूर्व के, क्या पश्चिम के, क्या उत्तर के, क्या दक्षिण के, दुनिया के किसी भी कोने के, किसी भी वेशभूषा के, किसी भी संस्कृति के, किसी भी समुदाय के, किसी भी समाज के लोग क्यों ना हो, हमारे समुदाय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ यूनिटी में लाने वाला एक ही नाम है, और वो है प्रभु यीशु। एक ही प्रभु
एक ही आत्मा, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। लिखा है इफिसियों की पत्री 2:18 में, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हम लोग अलग अलग हैं दोनों, आप और मैं डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग लोगों की पहुंच परमेश्वर तक एक ही व्यक्ति के द्वारा से होनी है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। वो एक व्यक्ति इसीलिए इस्तेमाल हो रहा है पूरे वर्ल्ड में अभी तक, ताकि सबको यूनिटी में लेकर के आ सके, मसीह की देह की एकता में। सारे मसीह जानते हैं, मैं भी जानता हूं इस बात को, लेकिन जानने के बावजूद फिर भी हम लोग आपस में मतभेदों में फंसे रहते हैं, जो कि कलीसिया की शिक्षा नहीं, हमें इसलिए तो बुलाया नहीं गया था। हम तो पहले से मतभेद झेल रहे थे अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के, अपने पड़ोसियों के, अपने समाज के। हम ऐसी जगह से निकल के आए, ये चीजें हमारे लिए नई नहीं है, हम तो इन्हीं चीजों में पले बढ़े हैं। मतभेद क्या होते हैं, रिश्तेदार होने के बावजूद भी किस प्रकार से आपस में टकराव रहता है, कॉम्पिटिशन रहता है, विचारों का टकराव रहता है, भावनाओं का, बातों का टकराव रहता है, अपने एक दूसरे के फैमिली स्टैंडर्ड का टकराव रहता है। वहां पे भी था, अगर यहां पे भी है तो क्या बदला? कुछ नहीं बदला, केवल जगह के, जगह बदली है, व्यक्ति नहीं बदला अभी तक, केवल जगह बदली है। पहले अब पूरब में थे, अब हम पश्चिम में आ गए, पहले हम दक्षिण में थे, अब हम उत्तर में आ गए, इतना ही तो हुआ है बस। लेकिन लिया तो आपको और मुझे यहां पे इसीलिए गया है कि आप और मैं एक हो जाएं, हम कलीसिया एक हो जाए और पूरी कलीसिया एक होकर के मसीह के काम को कर सके। 4:5 इफिसियों की पत्री लिखा है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही है बपतिस्मा, बपतिस्मा एक ही है। इसका रूप बदल करके, इसका रंग बदल करके लोग इसको किसी भी प्रकार से कर दें, लेकिन ये है तो एक ही। यूनानी भाषा में बपतिस्मे का जो सबसे नियरेस्ट मीनिंग है, बैप्टिज्म के बहुत सारे मीनिंग निकाले हैं लोगों ने, बपतिस्मे का जो सबसे नजदीकी जो शब्द है वो है डुबा देना, डुबा देना, डीप इन द वॉटर। बैप्टिज्म एक ही है, दो नहीं है। कहां से शुरू हो गया दूसरा मैं नहीं जानता, किसने किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि एक ही है, और वो यही है जो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा से हम तक पहुंचाया गया है। उसी एक ही बपतिस्मे के द्वारा से हम सब ने एक ही बपतिस्मा लिया है, एक ही कटोरे में से पिया है, एक ही आत्मा में से पिया है, एक ही पवित्र शास्त्र बाइबल से आप और मैं हम सब लोग शिक्षा ले रहे हैं, एक ही कलीसिया में बैठ करके हम लोग स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सिर एक है, देह भी एक ही है, और हम सब देह के अलग अलग अंग हैं। पहला तीमुथियुस 2:5-6 देखिए क्या लिखा है। पहला तीमुथियुस 2:5-6 प्रेरित पौलुस कलीसिया को इस बात को समझाने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इफिसियों नगर में जब नए लोग विश्वास में आ रहे थे तो उनको यह बात बताना अति आवश्यक था, क्योंकि वहां से भी अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग कुटुंब कबीले के लोग विश्वास में आ रहे थे। हम सबके पास अपनी अपनी वेशभूषा थी, अपनी अपनी संस्कृति थी, अपने अपने करने के लिए क्रियाकलाप थे, लेकिन जब हम यहां पर आए हैं तो वो सारी चीजें अलग हटा करके हम में से हर एक को एक ही धारा में, एक ही धारा प्रवाह में आने की आवश्यकता है। कलीसिया के वचन के मुताबिक एक ही ट्रैक पर आने की आवश्यकता है। यहां आकर के भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का पालन करूंगा, या आप अपने पूर्वजों की जहां से आप निकल कर आए हैं उसका पालन करें। हम अलग अलग दिशाओं से तो आए हैं, लेकिन एक होने के लिए बुलाए गए हैं, अलग अलग रहने के लिए नहीं, अलग अलग तौर तरीकों से चलने जीने के लिए नहीं, अलग अलग तौर तरीकों से प्रचार करने के लिए नहीं। हमारे मन मिजाज स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं, शिक्षा एक ही है, एक ही बपतिस्मा, एक ही आत्मा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास। यहां लिखा है पहला तीमुथियुस 2:5-6 में पौलुस तीमुथियुस को पत्री में समझाते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है,
दुनिया के हर कोने में आराधना करने वाले, जीवते परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर एक ही है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, परमेश्वर का वचन दुनिया के हर लोगों के लिए एक ही जैसा है। क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, क्या नॉर्थ, क्या साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आप किसी भी दिशा में रहते हो, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो बाइबल को तो जरूर लेना देना है, फिर परमेश्वर का वचन लागू होता है फिर सभी के ऊपर। अगर परमेश्वर का वचन ऐसा ही बताता तो फिर ये ऐसा ही है, फिर दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो सब इसके अंडर में आते हैं, इसके कंट्रोल में आते हैं, इसकी अधीनता में आते हैं। वो चाहे भले वैसा ना करे जैसा ये बताता है परमेश्वर का वचन, ना करे कोई बात नहीं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि करना तो यही चाहिए। नहीं कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं उनको, लेकिन करना तो यही चाहिए, कायदे से तो यही होना चाहिए। पौलुस यही बात कलीसिया को समझा रहे हैं कि हमें एक होने के लिए लिया गया है, एक का में आना ही पड़ेगा कलीसिया के साथ। अगर कलीसिया के साथ मसीह देह के साथ अभी भी हम एकता में आने का प्रयास नहीं करते हैं या हमारे विचार नहीं मिलते हैं, तो याद रखिएगा पुरानी पैतृकता लोगों को फॉलो करती रहती है, पुराना नेचर, पुराना फॉल्स नेचर, गिरा हुआ पैतृक स्वभाव जो बाप दादाओं के जमाने से चला आ रहा है। बड़ी गंभीर बात के ऊपर विषय पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। मसीहत में आज भी ऐसा पाया जाता है, हम मसीह में तो आ जाते हैं, नया जीवन जीवन पा लिया हमने, अनंत जीवन पा लिया, बैप्टिज्म ले लिया, लेकिन तो भी पैतृक चाल चलन, पैतृक स्वभाव, पैतृकता, वो नेचुरल चीजें पाई जाती हैं। और जब तक ये नेचुरल चीजें स्पिरिचुअल नहीं हो जाएंगी तब तक संघर्ष आपके जीवन और देह में जारी रहेगा। इस नेचुरल को स्पिरिचुअल में लाना है और वो यहीं से आएगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा से। परमेश्वर का वचन ही है जो मेरे स्वभाव को तोड़ेगा, मेरे मन मिजाज को तोड़ेगा। परमेश्वर का वचन ही है जो मेरे सर्वांग व्यक्तित्व पर लगाम लगाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एकता में आने के लिए, परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर के वचन की एकता में आने के लिए क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, यह परमेश्वर के वचन से डायरेक्शन मिलेगी। कलीसिया में आ जाना, शामिल हो जाना, भर्ती हो जाना लोगों को आसान नजर आता है, लेकिन वहां आने के बाद आपको अपनी स्वतंत्रता को छोड़ देना पड़ता है, आपको अपने मन मिजाज को छोड़ देना पड़ता है, अपनी आजादी को छोड़ना पड़ता है कि अब मैं अपनी ही हित की इच्छाएं पूरी करने की बजाय परमेश्वर के वचन की इच्छा को पूरा करूंगा। क्योंकि लिया तो इसीलिए गया ना आपको और मुझे कि हम उसके साथ यूनिटी में आए, परमेश्वर के साथ उसके वचन की एकता में आए। क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, केवल एक ही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, एक ही परमेश्वर, एक ही बिचवई। लिखा है कि जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, जिसने सबके छुटकारे के दाम में अपने आप को दे दिया कि सबको यूनिटी में ले आए, कि सबको सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। उसने आपको और मुझे लिया है और परमेश्वर के राज्य में एकता में ले आया, क्या इसकी गवाही आपने और मैंने ठीक समय पे दी कभी, राइट टाइम पे? क्या आपने और मैंने इस बात को प्रकट किया अपने जीवन से कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के वचन के मुताबिक उसकी कलीसिया के साथ यूनिटी में आ गया हूं, राइट टाइम पे, ऑन द राइट टाइम, जब सही समय था इस बात को दिखाने का, जब सही समय था कलीसिया में इस बात को प्रूफ करने का, प्रकट करने का कि वी आर इक्वल, हम एक हैं। क्या कभी कर पाए हम ऐसा? क्या हमने जो काम प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन में किया है, यीशु मसीह के द्वारा से आपका और मेरा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की वजह से आपकी और मेरी एकता हुई है, आपकी और मेरी यूनिटी हुई है। आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था। मेरे साथ कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो आराधना करते हैं, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, मैंने कभी उनको नहीं देखा, ना उन्होंने कभी मुझे देखा था। हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन हम लोगों की आपस में पहचान बनी। अब हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की वजह से,
प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा माध्यम बन गया मेरे और उन लोगों के बीच में कि अब जब हम लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से मिलकर बड़ा अच्छा लगता है, कि ऐसा लगता है कि हम आपस में एक ही मां के पेट से पैदा हुए भाई बहन हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ठीक जस्ट वैसे ही सारी दुनिया के विश्वासियों को एक करने के लिए यह बलिदान दिया। क्या ये वाली गवाही ठीक समय पे हमारे जीवन के द्वारा से बाहर आई? अगर नहीं आई कलीसिया के द्वारा से या आपके द्वारा या मेरे द्वारा, तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, क्या मेरे जीवन से मसीह की गवाही ठीक समय पर दी जा रही है? जब सही समय था उस बात के बोलने का, क्या मैंने बोला है उस बात को? मैंने नहीं बोली वाली बात, संत पौलुस तीमुथियुस को समझा रहे हैं, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। प्रभु यीशु मसीह ने भी ठीक समय पर गवाही दी क्रूस पर अपना बलिदान देकर के, हम सबको परमेश्वर के साथ एक करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ एकता में आ गए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 पद देखिए क्या लिखा है। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 6 लिखा है कि और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। लिखा है कि और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है और सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, एक ही है। जब परमेश्वर आपका और मेरा एक है तो हमारी एकता में क्या बाधा है, फिर क्या अड़चन है, क्या रुकावट है? कलीसिया की यूनिटी में क्या रुकावट है फिर? बड़ा आसान है इस बात को समझना कि परमेश्वर एक है और उसकी बातें सबके लिए एक ही जैसी हैं। परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए दो बातें नहीं है, अलग अलग दो बातें नहीं है, दो लोगों के लिए एक ही बात है। मेरे साथ निकालिए आप देखिए व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 अध्याय 4 पद, डेटरनमी चैप्टर 6 वर्स 4, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 पद। यहां पे 6 अध्याय के ऊपर मेरी बाइबल में जो हेडिंग है वो है शीर्षक महा आज्ञा। लिखा है कि हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, एक ही है। इस एक परमेश्वर ने दुनिया के कोने कोने से लोगों को लिया और अपने साथ एक कर लिया, कलीसिया को अपने साथ एक कर लिया, कलीसिया को एक होकर सिर के साथ, देह को सिर के साथ एक होकर के जुड़ जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे साथ यूनिटी में आ गया, एकता में आ गया, एक ही परमेश्वर है, दूसरा परमेश्वर नहीं है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा और हम लोग इस बात को जानते हैं, और जो लोग इस बात को जानते हैं उनको इस बात को इसलिए जानना चाहिए कि वो दूसरों को सही ढंग से इस बात को बता सकें कि एक ही परमेश्वर है, दूसरा नहीं। उनका अलग, हमारा अलग, इनका अलग, ऐसा नहीं है, इनका अलग उनका अलग कहने के लिए यह वाली बात है, लेकिन परमेश्वर एक ही है जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जिसके पास आप और मैं हैं। यही परमेश्वर, एक ही परमेश्वर दूसरे उन लोगों को भी अपने पास ले लेगा जो अभी भी उसके पास नहीं आए हैं, वो आपके और अपने साथ उसके साथ एकता कर लेगा। देखिए जकरिया चैप्टर 14 वर्स 9, पुराने नियम में मलाकी की किताब से पहले आती है जकरिया की किताब, जकरिया 14 अध्याय 9 पद, जकरिया नबी की किताब माइनर प्रॉफिट्स में आती है ये, 14 अध्याय 9 पद। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, सारी पृथ्वी का राजा होने का मतलब यह कि सारी दुनिया के लोगों को एक कर देना। तब परमेश्वर सारी पृथ्वी का राजा होगा, सारी पृथ्वी पर एक ही राजा है, एक ही राजा होगा। कब होगा? तब जब परमेश्वर सबको एक कर लेगा, एकता में ले आएगा, अपने करीब ले आएगा। हम सब जैसे आ गए हैं
अभी बहुत सारे लोगों का आना बाकी है, अभी भी बहुतों का आना बाकी है। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा, उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। एक कलीसिया को यह बात समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। कलीसिया के पास तो बहुत अच्छी शिक्षा है, मसीही कलीसिया के पास तो बहुत अच्छी शिक्षा है कि एक ही परमेश्वर है हमारा, लेकिन फिर भी हम एक नहीं है। हमारी शिक्षा एक है फिर भी हम एक नहीं है, एक ही बैप्टिज्म है फिर भी हम एक नहीं है, एक ही आत्मा है फिर भी हम एक नहीं है, एक ही विश्वास है फिर भी हम एक नहीं है। वजह इसकी मन मिजाज और स्वभाव है, जो पैतृक स्वभाव पीछे से चला आ रहा है, इसका मतलब वो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उसको खत्म करने का, उसको नष्ट करने का एक ही तरीका है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना। और परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने जो धारा बनाई है उसी धारा में शामिल हो जाना। एक धारा अलग से पाट करके अलग से निकाल के आप अलग नहीं हो सकते। अगर होंगे तो आप अकेले अलग होंगे, परमेश्वर अलग नहीं जा रहा आपके साथ वहां पे। फिर उस व्यक्ति को जो धारा में से निकल जाता है, कई साल के बाद अचानक उसको इस बात का सेंस आता है, होश आता है कि मैं तो परमेश्वर से बहुत दूर आ गया हूं। लिखा है कि तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। एक ही माना जाएगा, दूसरा नहीं। तो कलीसिया प्रयास करे इस बात का कि हम लोग एक एक होके रह सके, त्रिएक परमेश्वर के साथ आपस में एकता के साथ वचन की एकता में आ जाएं, वचन के साथ एक हो जाएं, परमेश्वर के आत्मा के साथ एक हो जाएं, परमेश्वर के स्वभाव के साथ एक हो जाएं। अपने स्वभाव को, अपने मिजाज को छोड़ दें हम लोग। हमारा मन अगर किसी के साथ सहमत ना भी हो तो कोई बात नहीं, अगर परमेश्वर का वचन किसी बात को कह रहा है तो उस बात पर आपके मेरे पास सहमत होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि आपको मुझे लिया इसीलिए गया है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय 36 पद, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 36, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 36 मेरे साथ निकालिए। यहां लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा, अब यह एक ही व्यक्ति की बात हो रही है फिर से, परमेश्वर की, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, और उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। ऐसा लिखा यहां पे, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 36, रोमियो की पत्री 11 अध्याय 36 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। परमेश्वर के लिए ये सब कुछ, आप और मैं परमेश्वर के लिए हैं। हम यहां पर अपनी बात मनवाने के लिए नहीं है, हम यहां पर अपनी बात में लोगों को सहमत करवाने के लिए नहीं। अगर लोग हमारे साथ सहमत होते तो ठीक है, नहीं होते तो हम उनसे नाराज हो जाएंगे। सहमति में आने की आवश्यकता है परमेश्वर के वचन के मुताबिक। आपके और हमारे आपसी मन विचारों का तो टकराव हमेशा ही रहेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन की बात अगर कहीं पे आती है तो कोई टकराव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूं, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि दीन बनो। अब ये व्यक्ति जो मुझे सिखा रहा है वाली बात कि दीन बनो, मैं इस व्यक्ति को पसंद नहीं करता, ना करूं, लेकिन उसकी बात तो वचन के मुताबिक है ना, उस बात को तो मुझे मानना ही पड़ेगा, उस बात को तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात की शिक्षा देता है, हिदायत देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि मुझे दीन बनना चाहिए। ठीक वैसे ही यहां पे भी ये वाली बात लिखी है, क्योंकि उसी की ओर से, यानी कि परमेश्वर की ओर से और उसी के द्वारा उसी के लिए सब कुछ है, और उसकी महिमा युगान युग होती रहे। उसकी महिमा इस बात के लिए होनी चाहिए कि प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं आपके साथ एकता में आ गया हूं, आपने मुझे अपने साथ एक कर लिया है। हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएं, परमेश्वर के लोगों के साथ एक हो जाएं, परमेश्वर की कलीसिया के साथ एक हो जाएं। क्योंकि इफिसियों नगर की कलीसिया को पौलुस यही बात समझा रहे हैं 4 अध्याय में, कि कलीसिया 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, एक ही देह है,
और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। आपको एक ही आशा है परमेश्वर से, उद्धार की, छुटकारे की, जीवन में बदलाव की, परिवर्तन की। परमेश्वर को भी एक ही आशा है आपसे और मुझसे कि जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको मुझे लिया है उसका वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, एकता में आने का। सातवें पद में लिखा है इफिसियों की पत्री, इफिसियंस चैप्टर 4:7, इफिसियों की पत्री 4:7 में लिखा है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। हमारा टाइम समाप्त हो गया है, सातवीं वर्ष को हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बहुत अच्छा है ये पद, हम सबको, आप चाहे तो अपने घर में देख सकते हैं इसे। हम पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। देखिएगा आप इस बात को, हम लोग फिर देखेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आपके और मेरे साथ अपना एक मेल कर लिया, हमें एकता में ले आया। परमेश्वर की महान योजना है एकता। एक परमेश्वर, एक ही प्रजा, एक ही राज्य, एक ही समाज, एक ही समुदाय, हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब लोगों का अपने साथ मेल कर लिया। पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करता हूं इस बात के लिए कि हम तो आपको जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, समझते भी नहीं थे, लेकिन तो भी आपने हम में से हर एक को नाम लेकर के बुलाया और अपने इकलौते पुत्र, अपने आज्ञाकारी पुत्र, अपने सच्चे सेवक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आपने हम सबका मेल अपने साथ कर लिया और हमें अपने साथ एकता में ले आया, कलीसिया में ला करके जोड़ दिया, ताकि हम कलीसिया के साथ आपके वचन की एकता में आ सकें। पवित्र आत्मा, हम में से हर एक की सहायता करें कि हम यूनिटी में पाए जाएं, एकता में पाए जाएं, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकें, हम परमेश्वर के जीवित वचन को अपने अंदर जीवित देख सकें और चलता फिरता देख सकें, परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमारे जीवन पलते, बढ़ते और बनते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड्स पीपल, चर्च ऑफ क्राइस्ट, वंस अगेन, शालोम ऑन यू।